इंदौर के छतरी बाग से प्रति वर्ष अनुसार इस वर्ष भी भगवान लक्ष्मी वेंकटेश रथ पर सवार होकर भक्तों को दर्शन देने निकले। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ था। भगवान श्री लक्ष्मी वेंकटेश की रथ यात्रा जैसे ही छतरी बाग प्रांगण से प्रारंभ हुई, उसी समय से रथ यात्रा में इतने भक्तों की कतार लगी कि कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि भगवान श्री लक्ष्मी वेंकटेश को अपनी आंखों से निहारे कि भगवान की भक्ति में इस बारिश में आए भक्तों को निहारे। इस दौरान रथ यात्रा में भक्ति भाव से भरे भक्त इस तरह से उमड़े जिसका कोई मोल नहीं। वहीं भक्तों से बात की गई कि ऐसी भक्ति का जो उत्साह है उसका उद्देश्य क्या है, तो भक्तों ने बताया कि इस भक्ति का मुख्य उद्देश्य तो स्वामी श्री विष्णु प्रपन्नाचार्य महाराज के आशीर्वाद से यह अवसर प्रतिवर्ष मिलता है। अगर गुरुजी के आशीर्वाद से थोड़ा सा पुण्य हम भी प्राप्त कर ले, इस भावना से हम रथ यात्रा में शामिल होते हैं। श्री विष्णु प्रपन्नाचार्य महाराज का कहना था कि भक्ति करते हुए, भगवान के भजनों पर नृत्य करते हुए जितना आनंद और पुण्य आप कमा सको उतना कमा लो। यह जो जीवन है प्रभु का ही दिया हुआ है। प्रभु के लिए जो समय दे सके वो समय प्रभु की भक्ति के लिए दीजिए। मैं तो सिर्फ आपको भक्ति के मार्ग तक खींच लाने का सिर्फ एक माध्यम हूँ जो मुझे प्रभु ने मानव जीवन दिया है। वहीं इस रथ यात्रा में आगे आगे प्रसिद्ध भजन गायक द्वारका मंत्री की भजन मंडली रथ यात्रा में सवार होकर भजनों की प्रस्तुति से भक्तों को आनंदित करते हुए चल रही है। वहीं उसके पीछे पीछे भक्त थिरकते हुए चल रहे थे। इस दौरान रथ यात्रा में द्वारका मंत्री के द्वारा गाए गए भजनों ने भक्तों का मन मोह लिया, जहां उन्होंने सांवरियो है सेठ मारी राधा जी सेठानी है दीवाना राधे का जब बिन बोले मिलता तो बोल के क्या मांगे, ऐसे भजनों पर हजारों भक्त द्वारका मंत्री की स्वर लहरियों झूमते नाचते चल रहे थे। देखिए मैं लगभग 20 वर्षों से यहाँ पे आ रहा हूँ। बड़े गुरु महाराज का आशीर्वाद मुझे मिला और अब वर्तमान में हमारे प्रातः स्मरणीय गुरु महाराज श्री विष्णु प्रपन्नाचार्य महाराज का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। हर वर्ष ब्रह्मोत्सव में जो कल्याण उत्सव होता है, कल्याण उत्सव मतलब भगवान रंगनाथ और गोदा जी की शादी का उत्सव है ये, और उसमें पूरी जो रस्में शादी की होती है उसी प्रकार से होती है और साथ साथ मेरे भजन उसमें होते हैं। तो हम रंगनाथ गोदा जी की शादी के भी भजन गाते हैं, साथ में दूसरे भजनों का भी समावेश उसमें करता हूँ। लगभग 3-3.5 घंटे 4 घंटे जो लगातार प्रोग्राम चलता है उसमें मेरे 4 घंटे पूरे भजन चलते हैं। भक्त झूमते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। वो कुल मिला के ये जो वेंकटेश मंदिर छतरी बाग है यहाँ पर स्वर्ग का आनंद मिलता है। 5-6 दिन जो हम लोग आते हैं, हर परिवार हर घर जो कार्य करता है सारी दुनियादारी भूल के बस सुबह उठे और एक ही काम छतरी बाग मंदिर जाना है, और ऐसी लगन कहीं हमें भी लगी हुई है थोड़ी बहुत। तो हम सब गुरु महाराज के श्री चरणों में आकर यहाँ पर आनंद लेते हैं। आज भगवान की शादी का कल्याण उत्सव का कार्यक्रम हुआ, मुझे भजन गाने का सौभाग्य मिला, भक्तों ने खूब झूमा नाचा गाया। आप अपने चैनल के माध्यम से इसे दिखाएंगे ही, लेकिन एक जो याद यहाँ सीने में बनी हुई है शायद पूरी उम्र वो खत्म नहीं होगी। वही रथ यात्रा इंदौर छतरी बाग श्री लक्ष्मी वेंकट मंदिर प्रांगण से प्रारंभ होकर नरसिंह बाजार, शीतला माता बाजार, गौरा कुंड, खजूरी बाजार से होते हुए अन्य मार्ग से भक्तों को दर्शन देते हुए वापस रथ यात्रा छतरी बाग श्री लक्ष्मी वेंकट मंदिर प्रांगण में विराम दिया। इंदौर से जीतू पटेल की रिपोर्ट।